हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से एक्सरसाइज 7.4, जो कि एक्चुअल में ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की एक्सरसाइज है। अब तक हम इसकी पहली तीन एक्सरसाइज बड़े अच्छे तरीके से कर चुके हैं। होपफुली आपको वो अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। आपको 7th क्लास का तो कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने ही वाला है। होपफुली आप 8th क्लास में भी प्राची ही पढ़ेंगे तो उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा उसमें। ओके, सो चलिए देखिए 7.4 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट ट्राइंगल हुज अदर टू साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। भाई, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें दो साइड्स गिवन है, ठीक है, और हाइपोटेनस निकालनी है। तो हाइपोटेनस को छोड़कर जो दो साइड बचती हैं उनको हम, एक को बेस बोलते हैं और एक को परपेंडिकुलर बोल देते हैं, या हाइट भी बोल दिया जाता है। जैसे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो देखिए, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 90 डिग्री एंगल के ओपोजिट जो साइड होती है उस साइड को ही एक्चुअल में क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। तो बची दो जो साइड, उन दोनों साइड में से किसी एक को बेस बोल दिया जाता है और किसी एक को परपेंडिकुलर। मान लीजिए अगर मैं इसको बेस बोल रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है, और अगर इसको परपेंडिकुलर बोला जा रहा है तो ये बेस बन जाएगा। उससे कोई गलती नहीं होने वाली है। कि और कई बच्चे इसको क्या करते हैं, हमेशा नीचे वाले को ही बेस कंसिडर करते हैं, जो कि एक्चुअल में एक, मतलब गलती भी नहीं बोल सकते क्योंकि टीचर नॉर्मली करवाते ही उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पर ये फिक्स नहीं होता कि यही बेस है, ठीक है। बेस हमारे पास ये वाला भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में नीचे वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ऐसे सिचुएशन में पाइथागोरन मैथमेटिशियन ने हमें क्या बताया, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट की हेल्प से, जो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इन तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन होती है। क्या रिलेशन? कि ये जो दो साइड्स है हाइपोटेनस को छोड़ के, उनका स्क्वेयर करें, उनको ऐड करें, तो ये हाइपोटेनस वाली यानी सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वेयर होगा उसके इक्वल रिजल्ट देता है, ठीक है। तो अब देखिए, इस पूरे फॉर्मूले में क्योंकि हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हैं, दो तो साइड है ये और एक हाइपोटेनस है, तो इन तीन में से कोई भी दो चीज़ दी जाए तो हम तीसरी चीज़ बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो वही काम हमें इस क्वेश्चन में भी करना है और आगे के क्वेश्चंस में भी करना है। क्या है क्वेश्चन? देखिए कि दो साइड्स हमें ऑलरेडी गिवन है, लेट कर लेते हैं या गिवन कर देते हैं, गिवन टू साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल आर क्या क्या हैं? 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इनमें से लेट कर लेते हैं, एक को हम बेस बोल देते हैं, किसी को भी आप बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर इनको डिनोट कर लेंगे साथ साथ, बी या पी जो भी हम कर रहे हैं। एक को बेस बोल दें, मान लीजिए 3 को बोल दिया, एंड दूसरे को हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं, परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट कर देते हैं, इसको हमने 4 सेंटीमीटर कर दिया। एंड जो हाइपोटेन्यूस है हाइपोटेन्यूस, उसको हम एच से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको यूज़ करना है। सो बताएंगे ज़रूर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें हमें क्या फॉर्मूला मिलता है? हाइपोटेनस स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। सो देखिए, हाइपोटेनस तो हमें निकालना ही है, बी की जगह हम बी की वैल्यू रखें 3, पी की जगह पी की वैल्यू रखते हैं 4, तो ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है? 9 प्लस 16। सो हाइपोटेनस स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया? 25। लेकिन
जब हम h की वैल्यू निकालें तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, स्क्वेयर रूट। ठीक है, रूट स्क्वेयर रूट, या आप अभी आपके पास स्क्वेयर रूट वाला ऐसा कोई पैटर्न आया नहीं है, आपको नहीं पता स्क्वेयर रूट क्या होता है, तो आप इस तरीके से सोचिए कि भाई देखिए किसका स्क्वेयर करें कि 25 आए। किसका स्क्वेयर करने से 25 आता है? अभी आपके अकाउंट में जो नंबर्स हैं उनमें हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, 5 का स्क्वेयर करने से भी 25 आता है, -5 का स्क्वेयर करने से भी 25 आता है ना। लेकिन हम इसमें 5 यूज करेंगे, -5 क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल की जो भी साइड्स है वो एक तरह की लेंथ है। क्या लेंथ कभी नेगेटिव में होती हैं? नहीं होती हैं, है ना। यहाँ पर हाइपोटेनस भी तो एक लेंथ है, तो इस वजह से नेगेटिव वैल्यूज हम यूज नहीं करेंगे। तो 5 आंसर है कहीं बी ऑप्शन में, यहाँ है ना। हाइपोटेनस यहाँ पर कितना है, 5। क्लियर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, परपेंडिकुलर ऑफ द लेंथ ऑफ द राइट ट्रायंगल हमें निकालना है जिसका हाइपोटेनस गिवन है 15 और बेस गिवन है 12। ठीक है, तो गिवन चीज़ें बता देते हैं पहले। गिवन में हमारे पास देखिए हाइपोटेनस एच बोल देते हैं, कितना गिवन था, 15, एंड बेस ये कितना गिवन है, 13 या 12, 12 सेंटीमीटर था, 12 सेंटीमीटर। और लेट कर लेते हैं परपेंडिकुलर को, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है हमें फाइंड आउट करना है, इसको हमने एल बोल दिया। क्लियर। यूजिंग अब क्या बोलेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम, ये एल है, 2 नहीं है, ठीक है, एल अच्छे से बना देता हूँ। क्या फॉर्मूला था, हाइपोटेनस स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। सो हाइपोटेनस कितना है, 15 स्क्वेयर, बेस 12 स्क्वेयर, परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर को मैंने एल क्यों बोला, पी बोल देता हूँ, है ना, पी स्क्वेयर। सो 15 का स्क्वेयर रहता है 225, 12 का 144 प्लस पी स्क्वेयर। क्लियर। सो ये यहाँ से 225, 144 इधर आकर सब्ट्रैक्ट करेगा, मैं बाकी की कैलकुलेशन इधर कर रहा हूँ, ठीक है। सो 225 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 91, 81, 81, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। अब ये देखिए आपको फिर से किस तरीके से सोचना है, भाई किसका स्क्वेयर करें कि रिजल्ट 81 आए। किसका स्क्वेयर करने से 81 रिजल्ट आता है, 9 का स्क्वेयर करने से 81 रिजल्ट आता है ना। और मेजरमेंट सेंटीमीटर में चल रही है, तो यानी कि हमारा उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना आ गया, 9 आ गया, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए थर्ड क्या है, ए बी सी तीन साइड्स है किसी ट्राइंगल की और हमें इसमें से ट्रू फॉल्स बताना है पाइथागोरन ट्रिपलेट के लिए। पाइथागोरन ट्रिपलेट किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर्स जो पाइथागोरस की थ्योरम को सेटिस्फाई करें। जैसे यहाँ पर ये 3 था, ये 4 था और यहाँ ये 5 आया, तो ये तीनों जो नंबर हैं ये पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएंगे, क्योंकि ये पाइथागोरस की इस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। इसी तरह से यहाँ पर हमने 12, 15 और इस 9 पर काम किया, तो ये भी पाइथागोरस से ही निकल कर आए हैं, पाइथागोरस की थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो दैट मीन्स कि ये 9, 12 एंड 15 जो नंबर्स हैं ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो हमें ये सिंपल सा ये बताना है कि पाइथागोरस थ्योरम को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखिए ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि दो साइड के स्क्वेयर का एडिशन तीसरी साइड के स्क्वेयर के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जबकि बाकी पार्ट्स में तो हमें ग्रेटर देन के साइन दे रखे हैं जो कि नहीं होते, है ना। इनइक्वालिटी तो सिंपल एडिशन स्क्वेयर्स पे नहीं, सिंपल एडिशन पे काम करता है। क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट, सो इसमें डायरेक्टली आपको टिक करना है और कुछ नहीं करना। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्या है, द हाइपोटेनस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। अब तो आपको आ गया होगा, फटाफट हम गिवन बता देते हैं। हाइपोटेनस एच बोल दें, कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, डिक्यूलर
इट इज 7 सेंटीमीटर है ना। और अब लैट करना पड़ेगा बेस को, सो बेस को हम बी बोल दें। फिर से हमें क्या करना है, यूजिंग पूरी लिख देना भाई पाइथागोरस थ्योरम, मैं फिलहाल शॉर्ट कर रहा हूँ टाइम की वजह से। तो देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 25, तो उसका स्क्वायर, बेस निकालना है पी 7 है उसका स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 625 है ना, 25 का 625, बेस स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। अब ये 49 जो है लेफ्ट में आके सब्ट्रैक्ट होगा, इक्वल टू में क्या बन गया बेस स्क्वायर, तो कितना आ गया 576 बेस स्क्वायर। अब आपको स्क्वेयर्स तो भाई याद होने चाहिए, किसका स्क्वायर करें कि 576 बने, तो इसका आंसर एक्चुअल में है 24, कि भाई 24 का स्क्वायर करने से 576 बनता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, लेंथ ऑफ इट्स बेस, देयरफॉर लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्राइंगल इज कितनी है 24, मेजरमेंट सेंटीमीटर में चल रही थी शायद, यस तो 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या है, पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, एक पैरीमीटर गिवन है, ठीक है, ब्रिथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, एक छोटा सा मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ समझाने के लिए। इसमें हमें ब्रिथ 5 सेंटीमीटर गिवन है, पूरा पैरीमीटर गिवन है, लेंथ ऑफ ईच डायगनल बताना है, दो डायगनल होते हैं ना, दोनों डायगनल की लेंथ बतानी है, तो एक की बता देते हैं तो दूसरी अपने आप उसी के इक्वल होगी, क्योंकि डायगनल के जो डायगनल होते हैं, सॉरी रेक्टेंगल के जो डायगनल होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। सो यहाँ पर हम गिवन चीज़ों के साथ साथ पहले लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ को लेट कर लेते हैं, क्या एली बोल दें। गिवन में हमारे पास क्या है, द ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है कितनी 5 सेंटीमीटर है ना। इसको ब्रिथ को मैं यहाँ पर बी से डिनोट कर दूं, एंड पैरीमीटर आल्सो गिवन है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये कितना गिवन है 34 सॉरी, जबकि पैरीमीटर एक्चुअल में होता किसके इक्वल है, 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ के इक्वल होता है ना। सो 2 टाइम ऑफ एल, एल तो हमें निकालना, ये ऐसा करते हैं 2 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं जब तक, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर आकर डिवाइड करेगा, और यहाँ बी की जगह हम बी की वैल्यू रख देते हैं। सो एल प्लस बी किसके इक्वल आ रहा है, 17 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 माइनस 5, यानी कि L किसके इक्वल आ रहा है 12 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास L भी है और B भी है, ब्रेथ यानी कि। अब अगर हम इसका एक डायगनल फाइंड आउट करना चाहें तो रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं है ना। सो यहाँ पर जो लेंथ और ब्रेथ हैं वो इस राइट एंगल ट्राइंगल की क्या बन गई, बेस और परपेंडिकुलर बन गई, और जो डायगनल है रेक्टेंगल का वो इस ट्राइंगल का क्या बन गया, हाइपोटेनस बन गया है ना। तो फिगर हम बना ही देते हैं, ए बी सी डी नाम दे देते हैं, इससे हमारा काम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का आसान हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर देते हैं, वी नो दैट ऑल एंगल्स ऑफ अ rectangle are of 90 degree है ना। तो therefore जो triangle ABC बना वो कैसा triangle बन गया वो बता देते हैं, therefore triangle ABC is a right angled triangle है ना, वो एक right angle triangle बन गया, clear। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली हाइपोटेनस स्क्वेयर बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर के इक्वल होता है,
तो यहाँ पर हमने हाइपोटेनस किसको माना, ए सी को माना फिगर के अकॉर्डिंगली, तो वहाँ मेंशन कर देते हैं ए सी हमारा हाइपोटेनस है और ए बी को चलो बेस मान लें और बी सी जो है वो परपेंडिकुलर। तो देखिए ये हाइपोटेनस तो हमें निकालना है क्योंकि यही हमारे क्या करेगा डायगोनल की लेंथ देगा, ए बी 5 है और बी सी 12 है, तो 5 का स्क्वेयर 25, 12 का 144, सो ये कितना आ गया 169 आ गया आई थिंक। सो किसका स्क्वेयर करें कि रिजल्ट 169 आए, तो आप नोटिस करोगे कि 13 का स्क्वेयर करने से 169 आता है ना। सो अब हम यहाँ पर एक और बात जानते हैं कि बोथ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, तो वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। वी नो दैट बोथ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, कि वो इक्वल लेंथ के होते हैं, है ना। देयरफोर लेंथ ऑफ ईच डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर क्या क्या हो गए 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एज बता दिया, एज बता देते हैं, है ना, कि दोनों जो डायगोनल हैं वो 13 सेंटीमीटर के हो गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था या क्या था, फोर्थ, थर्ड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। द साइज ऑफ द टू ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम इज द राइट ट्राइंगल। तो देखिए अब तीनों साइड्स को हमें ऑब्जर्व करना है कि वो राइट ट्राइंगल की साइड्स है, यानी ट्राइंगल की साइड्स तो हैं, ठीक है, इन्होंने दो ट्राइंगल्स की साइड दे रखी है, हमें ट्राइंगल चेक नहीं करना, ट्राइंगल चेक करना हम थर्ड एक्सरसाइज में देख चुके हैं। तो ये ट्राइंगल की साइड तो हैं, लेकिन ट्राइंगल के टाइप होते हैं ना अलग अलग, इक्विलेटरल, आइसोस्केलर, स्केलन, राइट एंगल आइसोस्केलर, इस तरह के, तो वो टाइप चेक करना है। तो हाइपोटेनस, सॉरी ये क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल चेक करने का तरीका क्या है वो बताता हूँ। तो देखिए हमें पहले गिवन क्या है वो चीज़ें बता देते हैं, ए 6 सेंटीमीटर, बी 8 सेंटीमीटर, सी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, इनके स्क्वेयर निकालने हैं, तो ए का स्क्वेयर 6 का स्क्वेयर करना पड़ेगा, यानी कितना आया 36, ठीक है। इसी तरह से एंड बी का भी स्क्वेयर करें, बी का स्क्वेयर करने का मतलब है 8 का स्क्वेयर करना है, ये बी नहीं है ये 6 है इधर, तो 8 का स्क्वेयर 64, एंड इसी तरीके से आपको सी का भी स्क्वेयर करना है जो कि 10 है, 10 का स्क्वेयर 100। नाउ अब आपको सिंपली ये देखना है दो जो छोटे डिस्टेंसेस हैं स्क्वेयर करने के बाद उनका एडिशन क्या थर्ड बड़े वाले के इक्वल आ रहा है, इक्वल चेक करना है। तो यहाँ हमने नोटिस किया कि 36 और 64 का एडिशन जो है वो 100 के इक्वल आ रहा है, दैट इज 36 क्या है ए स्क्वेयर और 64 क्या है बी स्क्वेयर और 100 क्या है सी स्क्वेयर। तो हम बोल देंगे देयरफॉर ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ठीक है, कि वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, क्लियर। बिल्कुल ऐसा ही काम हमें नेक्स्ट के लिए करना है, मोस्ट प्रोबली ये साइड से ना हो, चेक करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें सारा काम करना है, ठीक है, जैसे ऊपर किया है। तो देखिए गिवन में क्या है, ए 5 सेंटीमीटर, बी 8 सेंटीमीटर, सी 11 सेंटीमीटर, तो चलिए इनको चेक करते हैं। नाउ ए स्क्वेयर करते हैं, 5 का स्क्वेयर 25, बी स्क्वेयर करते हैं कितना है 8 स्क्वेयर यानी 64, सी स्क्वेयर 11 स्क्वेयर यानी कि 121। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है
क्या 25 और 64 का एडिशन 121 के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ऐसे लगा देंगे दैट इज कि भाई ए का स्क्वेयर और बी का स्क्वेयर सी के स्क्वेयर के इक्वल नहीं है, देयर फोर ए बी एंड सी आर नॉट साइड्स, नॉट लग गया ठीक है, ऑफ अ राइट ट्राइंगल ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, ए एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ द ट्राइंगल हमें गिवन है 60 एंड 30, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सबसे पहले तो हम ए एंगल निकालेंगे एंगल्स हम प्रॉपर्टी से, तो ए एंगल कितने डिग्री का जाएगा, 90 डिग्री का है ना, और ये साइन किसका है, 90 का है, आपको बता रखा है। तो यहाँ पर 90 के बिल्कुल अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, हमारी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो बाकी दो साइड्स क्या हैं, बेस और परपेंडिकुलर। 90 आने से ये हो गया ना कि भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो हाइपोटेनस कौन है, बी सी है, तो बी सी का स्क्वेयर क्या होना चाहिए, बची हुई दो साइड के स्क्वेयर के एडिशन के इक्वल होना चाहिए। तो बी सी बी सी बी सी देखिए स्टार्टिंग में ही है, और ए बी और ए सी बची दो साइड थी, तो उनका स्क्वायर का एडिशन के इक्वल आ रहा है, यानी कि ये वाला ट्रू है और बाकी सारे जो हैं वो फॉल्स हैं यहाँ पर ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे कर दें, देखिए पार्ट तो नहीं चलेगा यहाँ पर, आंसर करते हैं। सबसे पहले तो हमें इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी है। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के, जबकि एंगल ए तो हमें निकालना है, एंगल बी 30 डिग्री का गिवन है, एंगल सी 60 डिग्री का गिवन है। कहाँ से गिवन बोल सकते हैं है ना। सो ये क्या बन गया, एंगल ए प्लस 90 डिग्री, 30 और 60 90 होते हैं ना। अब 90 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। सो एंगल ए किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। तो हम बोल सकते हैं देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल एट राइट एंगल एट सी, सी नहीं सॉरी ए, ए पर राइट एंगल है ना। तो अब हम क्या करें, देयर फोर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ए के ऑपोजिट हाइपोटेनस, पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इस फिगर के अकॉर्डिंग देखिए कौन है, बी सी है ना, तो बी सी लिखी, बेस इनमें से किसी एक को मान लें, ए बी को मान लें, तो ए बी स्क्वेयर परपेंडिकुलर फिर क्या हो गई, ए सी। या अगर देखिए इसको हम राइट में लिख दें और ये जो राइट वाली साइड है इसको लेफ्ट में लिख दें, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने वही काम कर दिया, बी सी स्क्वेयर। तो ये देखो ये किससे मैच कर रहा है, ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है ना, यानी कि ऑप्शन ए इज द ट्रू, बाकी सारे फॉल्स हो गए ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल और आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो देखिए एक ट्राइंगल बनाता हूँ ऐसे ही कुछ, ये एक राइट एंगल भी है और आइसोस्केलस भी है। तो हाइपोटेनस को छोड़कर जो दो साइड बचती है जिनको हम नॉर्मली बेस और परपेंडिकुलर बोलते हैं वही इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेनस तो हमेशा सबसे बड़ा होता है, वो किसी के इक्वल नहीं हो सकता है ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। इनको हम नाम दे देते हैं, किस पर राइट एंगल है, सी पर, इन्होंने बोल रखा है देखिए राइट एंगल एट सी। सो ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। गिवन में क्या है हमारे पास कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी, हमने फिगर भी बना दिया उसका समझाने के लिए ठीक है।
तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं देयर फोर इससे होगा क्या, क्योंकि ये आइसोस्केलस है, राइट एंगल है, तो इसमें जो ए सी और बी सी साइड है वो हो जाएंगी आपस में इक्वल, इसको हम वन बोल देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो उससे क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर होगा। तो हाइपोटेनस इस फिगर के अकॉर्डिंगली कौन होगा, ए बी है ना, बेस इनमें से किसी एक को मान लें और दूसरी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। लेकिन अब ये देखिए जो प्रूव करना है उसमें हमें ए सी ए सी चाहिए, बी सी तो चाहिए ही नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए बी सी के रिप्लेसमेंट में यहाँ पर मैं ए सी लिख सकता हूँ, क्यों, फ्रॉम वन से, और बी सी का स्क्वायर था तो ए सी का भी स्क्वायर हो जाएगा, और एक ए सी पहले से ही है ना। यहाँ रेफरेंस क्या कर दें चेंज का, फ्रॉम वन से ये चेंजेस आए हैं। तो देखिए ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, टू टाइम ऑफ ए सी स्क्वेयर। देखिए हमें यही तो प्रूव करना है, ये देखिए ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू टाइम ऑफ ए सी स्क्वेयर है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेवन्थ। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पूरे एक्सरसाइज या चैप्टर में लेकर चले। ठीक है, ए लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग रिच इज अ विंडो विच इज 9 मीटर अबोव द ग्राउंड, कि एक ग्राउंड से 9 मीटर ऊपर एक कोई विंडो है किसी वन साइडेड ऑफ द स्ट्रीट, एक कोई स्ट्रीट है, स्ट्रीट के एक तरफ कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे 9 मीटर ऊपर एक विंडो है और उस पर एक 15 मीटर लंबी लैडर लगी हुई है। तो देखिए मान लीजिए ये वो स्ट्रीट है, ठीक है, और इसके वन साइडेड यहाँ पर एक और कोई है 9 मीटर मान लेते हैं, ये 9 मीटर हाई यहाँ पर एक विंडो है, ठीक है, ए पोजीशन मान लेते हैं, बी सी जो है वो अपनी क्या हो गई, स्ट्रीट हो गई, और इस बी सी स्ट्रीट के बीच में कहीं पर हमारे पास एक लैडर है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कहीं लैडर है जो इस विंडो ए तक पहुँच रही है, और ये लैडर कितनी लंबी है, 15 मीटर लंबी है। ठीक है, वेट, ठीक है, ये है 15 मीटर लंबी। फिर कहता है कीपिंग इट्स फुट, इट्स मतलब उसके लैडर के एट द सेम पॉइंट, कि इस लैडर का जो फुट है मान लीजिए डी पर है वो हमने एक जगह रखा, ठीक है, और द लैडर इज टर्न्ड टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, अब वो स्ट्रीट के दूसरी तरफ ले गए उस लैडर को, दूसरी तरफ यानी कि इस तरफ, टू रिच ए विंडो 12 मीटर हाई, कि इस साइड अब एक 12 मीटर ऊंची एक विंडो है मान लो, ठीक है, कितनी ऊंची है 12 मीटर, और यही लैडर अब इस विंडो के टॉप पर लग रही है, लैडर तो उतनी लंबी है 15 मीटर जितनी है ना। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट की विड्थ बतानी है, तो इस विंडो की टॉप को हम बोल देते हैं ई बोल दें, ठीक है। तो अब ये देखिए हमें बी सी फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है, हम अगर इस लेफ्ट ट्रायंगल पे काम करके बी डी निकाल लें, ठीक है, फिर राइट ट्रायंगल पे काम करके डी सी निकाल लें, और फिर इन दोनों को आपस में क्या कर लें, ऐड कर लें, तो हमारे पास पूरी बी सी आ जाएगी। तो सिंपल सा यही लॉजिक हमें यूज़ करना है, ठीक है, और इसी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बन जाता है। तो ये फिगर आप बना देते हैं तो बहुत बढ़िया है, या तो फिगर अच्छे से बनाएं या फिगर बनाएं ही मत, ठीक है, अगर कन्फ्यूज़न है फिगर में तो फिगर आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, ओके। तो देखिए पहले हम काम कर लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल, बता देता हूँ क्योंकि दो ट्रायंगल है, किस पर काम कर रहे हैं, ए बी डी पर काम कर लेते हैं पहले, ठीक है। सो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम हाइपोटेनस किसको मानेंगे, जहाँ बिल्डिंग सीधी खड़ी होती है यहाँ, तो उसके अपोजिट हाइपोटेनस यही हुई, यानी कि ए डी जो है वो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा हाइपोटेनस हुआ, तो उसका स्क्वेयर। बेस हम बी डी को मान लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी हो गया। कहाँ से वैल्यू उठाई, फ्रॉम फिगर से, क्लियर। सो अब ये देखिए ए डी की जगह ए डी की वैल्यू रखें 15 स्क्वेयर, बी डी हमें निकालना है, ए बी 9 है, सो 15 का स्क्वेयर 225, बी डी फाइंड आउट करना है 981, सो
81 जो है वो इस तरफ आएगा तो क्या करेगा, सब्ट्रैक करेगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास कितना बच रहा है, 4, और ये आई थिंक 14 बच जाएगा, बी डी स्क्वेयर। सो किसका स्क्वेयर 144 देता है, 12 का स्क्वेयर देता है, यानी कि बी डी की लेंथ कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है। सो इसको हम 1 बोल देते हैं, क्लियर। अब सेम काम हमें दूसरे फिगर पर करना है, सी डी ई पर। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल बता दीजिए सी डी ई। तो यहाँ पर राइट एंगल देखिए सी पर बनेगा, क्योंकि बिल्डिंग उसी पर बनी हुई है, बिल्डिंग नॉर्मली स्ट्रेट बनाई जाती है ना। तो जब तक किसी पर्टिकुलर एंगल के बारे में नहीं बताया जाता तो हम 90 ही मान के चलते हैं कि बिल्डिंग बिल्कुल सीधी है, वरना आजकल तो काफ़ी डिज़ाइन के साथ थोड़ी डिफरेंट एंगल्स पे बिल्डिंग भी बनाई जाती है। तो देखिए हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो फिगर के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूस कौन है, डी ई है ना, डी ई, बेस सी डी है और परपेंडिकुलर सी ई है ना। तो कहाँ से आई ये वैल्यूज, फ्रॉम फिगर से आई, क्लियर। सो देखिए डी ई कितना है, 15 है, लैडर की लेंथ थी, सी डी निकालनी है, सी ई 12 मीटर ऊपर थी ना वो विंडो, तो ये 225 हो गया। ये फाइंड आउट करना है 12 का स्क्वायर 144, है ना। सो 225 माइनस 144 इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 81। तो किसका स्क्वायर 81 देता है, यस 9 का स्क्वायर 81 देता है ना। तो इसकी हमें ज़रूरत है। तो अब देखिए देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रीट, लेंथ ऑफ स्ट्रीट, एक सेकेंड, हमें लेंथ विड्थ बोलना था, है ना, विड्थ ऑफ स्ट्रीट। वैसे मैंने शायद से स्ट्रीट की स्पेलिंग भी गलत कर दी थी, ब्रिथ बोल दीजिए, विड्थ बोल दीजिए, एक ही बात है। विड्थ ऑफ स्ट्रीट किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी देखिए इन दोनों लेंथ के एडिशन के, यानी बी डी प्लस सी डी के इक्वल, बी डी प्लस सी डी के इक्वल। जबकि बी डी की वैल्यू हम कितनी निकाल के आए थे, फ्रॉम 1 से 12 और फ्रॉम 2 से सी डी की वैल्यू 9 है। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, है ना। सो 12 और 9 कितना आ गया, 21, और वैल्यूज मीटर में चल रही है, यानी कि ये जो स्ट्रीट है जिसके दोनों तरफ बिल्डिंग है, ये स्ट्रीट टोटल 21 मीटर लंबी है, क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं। ये 7, 8, 9 ये सारे ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से करने वाले क्वेश्चंस हैं। ए मैन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट, देखिए जब डायरेक्शन बनती है तो कुछ इस तरह की ही बनती होगी, होप सो। देखिए ईस्ट इस तरफ होता है, ईस्ट वेस्ट फिर नॉर्थ फिर साउथ, है ना, और ये डायरेक्शंस जो होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अब ये क्या कर रहा है, एक मैन जो है वो ईस्ट की तरफ 10 मीटर आगे गया, ईस्ट की तरफ 10 मीटर आगे गया, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, फिर देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, फिर वहीं से 24 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, मान लीजिए ये 24 है और ये 10, ये बताना है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, यहाँ से यहाँ तक अब वो कितनी दूरी पर है ये बताना हमें, ठीक है। सो इनको कुछ नेमिंग कर दें, सो इनकी नेमिंग कर देते हैं, ये ओ बोल देते हैं, ये ए और ये बी बोल देते हैं। सो बेसिकली हमें ओ भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, फ्रॉम फिगर की हम हेल्प ले रहे हैं, फिगर में हमने गिवन चीज़ें बता दी हैं, ओके। सो हाइपोटेनस स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। हाइपोटेनस क्या है, कौन है यहाँ पर, ओ बी है ना, क्योंकि जो साइड्स हैं वो तो परपेंडिकुलर चलती है ना, इस वजह से। सो ओ ए को बेस मान लें,
और ए बी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो अब देखिए ओ बी तो हमें निकालना है, ओ ए कितना है 10, ए बी 24, तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, फ्रॉम फिगर से आई हैं ये वैल्यूज़, ठीक है। सो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, 24 का 576, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 676, किसका स्क्वायर करें कि 676 आता है, 16 का स्क्वायर करने से आता है ना। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम करंट पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम करंट पोजीशन या पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट, कि स्टार्टिंग पॉइंट और करंट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 16 मीटर, 16 मीटर दूर चला गया वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाइन्थ, ए ट्री ब्रोक एट अ पॉइंट बट डिड नॉट सेपरेट, कि भाई एक ट्री है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से टूट गया लेकिन वो पर्टिकुलरली सेपरेट नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए ये पूरा वो ट्री है, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से मान लीजिए टूट जाता है, तो इसका ये जो टॉप वाला पार्ट है वो नीचे की तरह से ऐसे आ जाएगा और वो फिर ऐसे ज़मीन को टच कर जाएगा, है ना। यानी इसका जो टॉप पार्ट था वो यहाँ आ गया, अब जो ज़मीन को टच कर रहा है, क्लियर इसकी बात चल रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं, इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 dm, डेसीमीटर, भाई ये 6 dm है, इतनी दूरी पर ये टच कर रहा है, फ्रॉम इट्स बेस, बेस ये पॉइंट होता है हमारा, ठीक है। फिर क्या कहता है, इफ़ द पॉइंट वेयर इट ब्रोक बी एट ए हाइट ऑफ 2.5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दे रखा है 2.5 dm, ओके, फ्रॉम द ग्राउंड, व्हाट वाज द टोटल लेंथ ऑफ द ट्री बिफोर इट ब्रोक, कि जब वो टूटा उससे पहले उस टोटल उस ट्री की पूरी हाइट कितनी थी। दैट मीन्स कि हमें ये और पता करना है, ये पता होता ही हम उसमें 2.5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी ट्री की। तो ये पता करने के लिए हम सिंपली जो कि एक्चुअल में ये लेंथ बन गई है ये पता कर लें, है ना। तो देखिए कोई नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी, इसको डी बोल देते हैं, तो टोटल हाइट बी डी बन जाएगी, लेकिन सी डी और ए सी ये दोनों जो हैं वो सेम बन गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास सी डी और ए सी दोनों क्या हैं, सेम है, ठीक है, इसको वन बोल देते हैं। अब हम पाइथागोरस लगाते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, किस पर, ऑन ट्राइंगल ए बी सी पर, पेड़ फिलहाल सीधा ही खड़ा माना जाएगा जब तक कुछ ना बताया जाए, ठीक है। सो हाइपोटेनस स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर, हाइपोटेनस यहाँ कौन कहलाएगा फिर, ए सी कहलाएगा, सो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। सो ए सी तो हमें निकालना ही है ताकि हम सी डी पता कर सकें, है ना। ए बी 6 और बी सी 2.5, कहाँ से वैल्यूज़ आई है, फ्रॉम फिगर से वैल्यूज़ हमें पता चली हैं, ठीक है। सो ए सी का स्क्वायर कितना आ गया 36 और 2.5 का 6.25, क्लियर। तो अब इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 42.25। सो एक्चुअल में किसका स्क्वायर करेंगे ये आए, तो ये एक्चुअली आप प्राइम फैक्टर करके पता कर सकते हैं, ये बन जाए हमारे पास 6.5 के इक्वल, कि भाई इसका स्क्वायर करें तो 42.25 ये आता है, ठीक है। आप ट्राई करके देख सकते हैं कि 6.5 और 6.5 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 42.25 के इक्वल आता है, क्लियर। मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल टाइम की वजह से काफ़ी टाइम हो गया है। तो देखिए एसी हमें पता चल गया है तो अब हम इसकी हेल्प लेते हैं,
क्या पता करना था? टोटल हाइट ऑफ द ट्री, देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की टोटल हाइट किसके इक्वल हो जाएगी? बीडी के इक्वल होगी, बीडी तो है जी, देखिए है ना। जबकि बीडी कैसे बने? बीसी प्लस सीडी से बने, बीसी प्लस सीडी से बने। और सीडी तो हमें पता नहीं है, सीडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सीडी की जगह हम एसी लिख सकते हैं, कहाँ से? फ्रॉम वन से, है ना। अब बीसी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी कितनी? 2.5। एसी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली कितनी? 6.5। 6.5 ये कहाँ से आई? फ्रॉम 2 से एंड गिवन से, है ना। 2.5 कहाँ से आई थी? गिवन से। तो इन दोनों का ऐड करें तो ये हमारे पास कितना आ गया? 9। और मेजरमेंट किस में चल रही है? डेसीमीटर में चल रही है, सो डीएम, है ना। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.4। सो होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। सो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कोई ना कोई बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कंटेंट आपको कैसा लगा, किस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना अच्छा लगता है, किस तरह के क्वेश्चन आपको समझ आते हैं, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।